मेरा सभी को प्रणाम और सभी मेरे आदरणीय पूजनीय मेरे भाई बहनें माताएं और मेरे बड़े सीनियर मोस्ट पर्सन जो आज यहाँ के संगठन मंत्री हैं, जिनके ऊपर इस टाइम 10 से 12 पंचायतों का मतलब इनके ऊपर कार्यभार है और इन्होंने एक एक घर में जाके एक एक परिवार के बीच जाके इस प्रकार से लोगों को जोड़ा है कि मैं इतना हवाली हूँ कि आज हम धर्मशाला के अंदर थे, पूरे हिमाचल प्रदेश के बीच OPS को लेके बहुत सारी बातें चल रही थी। तो मैं लंबी बात नहीं करूँगा, हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री केजरीवाल जी ने मतलब ऊपर से आदेश दिया कि इस प्रकार की जो एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, इस चीज़ को मतलब ख़त्म किया जाए। अगर ये पार्टी जो रही है जिन्होंने बंद किया है, कांग्रेस BJP, अगर ये नहीं करती है और जो रूलिंग में पार्टी है 7 दिन के अंदर वो इस चीज़ को बहाल नहीं करती है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम विद इन 90 डेज 3 महीने के अंदर अंदर जो इसका मतलब प्रोग्राम को जो इनका है, जो OPS का है और NPS जितना भी है, इनको बहाल करेंगे अपने। तो इस मुद्दे को लेकर के आज प्रेस वार्ता शिमला में हुई, तो एक्चुअल उसके बाद हमारा धर्मशाला हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो वहाँ से प्रोग्राम में आने से थोड़ा समय टाइम लगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम था वहाँ 1:30 बजे, तो वहाँ DC साहब थे नहीं, तो उनके तरफ फिर एक दूसरे के साथ मिलते वो सबके साथ थोड़ा टाइम लग गया। तो मैं इसके लिए पहले ही मैंने समय याचना मांगा आप लोगों से और दोबारा फिर मैं दोबारा माफ़ी मांग रहा हूँ आप लोगों से। आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मैं बड़ा कुछ समझाऊंगा आपको, क्योंकि सबके पास आज की डेट में हर किसी घर परिवार के बीच एक यंत्र है, बहुत सराहनीय यंत्र है, एक एक सेकंड के बीच आपको खबर देता रहता है। तो मैं सबसे बड़ी एक ही बात बताऊंगा कि यहाँ जो स्ट्रेंथ है हमारी बहनें बहुत सारी बैठी हुई हैं कि मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ से पालमपुर जब बुड्ढा वाल के वहाँ पर बुड्ढा वाल के प्रोग्राम था तो कितनी हमारी बहनें वहाँ पर पहुँची है। तो अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने ये आपको गारंटी दी हुई है कि 18 साल से ऊपर जितनी भी हमारी बहनें बेटियां हैं, चाहे जिनको वीडियो पेंशन मिल रही है, उनको भी 1,000 रुपया पर मंथ पेंशन मिलेगी, वो गारंटी के तौर पे। आप लोग कैंटीन में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, आपको कोई भी गारंटी कार्ड नहीं देता है, उसमें भी वारंटी कार्ड होता है मगर यहाँ गारंटी कार्ड है एक्चुअल में। अभी देखा आपने कि 70 साल से सब कुछ चल रहा था, हम ये नहीं बोलेंगे कि नाकामी है, कुछ सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया, जो चलता था वो चल रहा था। अब मतलब जितने भी लोग हैं सारे अवेयर हो चुके हैं, पढ़े लिखे हुए हैं और जब शिक्षा आती है तो सवाल भी होते हैं, नहीं तो लोग नहीं पूछते इन चीज़ों को। जब शिक्षा को लेकर के बात की जाए तो आज की डेट में मुझे कोई भी ऐसा स्कूल बता दो, यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉलेज बता दो कि जहाँ पे बच्चे उस लेवल पे जा करके मतलब नीट GK इस टाइप के जो मतलब हमारे एग्जाम हुए हैं, हमें इस एजुकेशन को लेने के लिए आउट ऑफ स्टेट जाना ही पड़ता है, तो क्यों नहीं हमारे शहर में हो सकता है। अभी एक हमारी IIT मंडी के बीच खुली है, तो मैं बड़ा उनका धन्यवाद करूंगा, कौर सिंह ठाकुर जी के टाइम पे खुली है। तो हम चाहते हैं किसी प्रकार से हमारे बीच हमारे जो स्वास्थ्य वाली की बात की जाए कि अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो जितने भी हमारे हॉस्पिटल डिस्पेंसरी है, जहाँ डिस्पेंसरी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो वहाँ पे दवाई नहीं है, और दवाई भी है तो कौन सी दवाई है, पैरासीटामोल, एक पैरासीटामोल देंगे आपको पालमपुर रेफर कर देंगे, पालमपुर में वो एक इंजेक्शन लगाएंगे, एक टेबलेट दे देंगे आपको, टांडा कर देंगे, टांडा वाले जो है वो PGI कर देंगे। और PGI जो पहुँच का वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग आप लोग जानते हैं कि हम कितनी सुगमता के साथ वहाँ पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो शीर्ष नेतृत्व के चलते हुए अभी 5 महीने नहीं हुए हमारी पंजाब की भी सरकार को बनी हुई, मैं वहाँ भी एक्चुअल में 15 दिन के लिए मैं स्टार प्रचार कर रहा था इलेक्शन के बीच, तो हमने वहाँ भी देखा कि 75 हमारे 15 अगस्त को 75 वहाँ पे हमारे मोहल्ला क्लिनिक लगभग 87,000 पक्के कर्मचारियों को नौकरियाँ दी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया, आशा वर्कर को लेके, आंगनबाड़ी को लेके, अदरवाइज बहुत सारी, और सबसे फर्स्ट जो गारंटी बची थी उनके पास महिला को 1,000 रुपया जो अभी की गारंटी है वो कि वो महिलाओं को 1,000 रुपया वहाँ पे मतलब स्टार्ट होने वाला है, वो सारी गारंटी हो चुकी है। तो स्वास्थ्य की बात की जाए तो हमारा स्वास्थ्य के लिए हर मैं एक बात जरूर बोलूँगा PR न्यूज़ के माध्यम से, बढ़िया बात बोलूँगा, इतना हम नहीं चाहते कि हमें हर घर में मोहल्ला क्लिनिक मिले, हर गांव के बीच मिले, हम चाहते हैं कि हमारी जो कंस्टिट्यूंसी है ना, अगर यहाँ पे मान के चलिए अगर मोहल्ला क्लिनिक है 50 बनने ना, हमें 50 नहीं चाहिए, हमें 20 भी नहीं चाहिए, हमारे 4 जोन बनाकर एक बढ़िया से हॉस्पिटल बना दें कि जहाँ मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत ही ना महसूस हो। जैसे आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है जालक के बीच, हमारे जयसिंहपुर के बीच है, हमारे रोपड़ी के बीच है, पंचरुखी के बीच है ना,
इस प्रकार के इन्हीं को इस प्रकार से डेवलप किया जाए कि कम से कम मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत है हमारे सराउंडिंग में। 8-10 किलोमीटर इधर को जाओ, 8-10 किलोमीटर को जाओ तो आपको सारी चीज़ें नियर बाई पड़ जाती है। एक्चुअली स्वास्थ्य आपका बिल्कुल फ्री होगा, एजुकेशन बच्चों की बिल्कुल फ्री होगी सरकार के आने पर। अभी 125 यूनिट बिजली मिली है आपको, इससे पहले क्यों नहीं की? केजरीवाल जी ने एक सिस्टम बनाया, क्योंकि बिजली पानी, बिजली हमारी, पानी हमारा, सीमेंट हमारा, बागवानी हमारी, और फिर भी हमारे ऊपर टैक्स लग रहे हैं। तो जब आते हैं ना प्रधानमंत्री जी, मन की बात, मन की बात में कोई मतलब नहीं होता है और मतलब की बात में मन नहीं लगता है। हम पढ़ते हैं ना, जब बच्चों को बोलते पढ़ते लिखने बैठे तो मन नहीं लगता है, तो कहने का होता है कि जो मन की बात होती है ना उसमें कोई मतलब नहीं होता है, और जो मतलब की बात है उसमें मन नहीं लगता है। तो हमारे साथ ऐसा नहीं है, और वो एक मसीहा है जिसके माध्यम से हमने सभी लोगों ने पहले भी हमने वोट डाले हैं, पर पहले बहुत सारी सरकारें देखी है, एक मौका एक ही व्यक्ति ने जिंदगी में, मैंने अपने आप को यहाँ चेंज किया, यहाँ लेके आए तो मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे, उस एक व्यक्ति ने बोला कि अगर मैंने काम किया है तो वोट डालना, अगर काम नहीं किया है तो वोट मत डालना, मुझे निकाल देना। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो ये भी बोला था कि मुझे चौराहे पे बुला कर, चौंक के बुला करके ऊपर है ना, मुझे ये कर देना, मुझे वो कर देना, पर फिर दोबारा एक मौका। तो इस बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से, अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस में, जितना भी हिमाचल की भी जहाँ जहाँ भी किसी की रीच है, कि इस बार वोट झाड़ू को डालना है, और ऐसा झाड़ू चलाना है कि दूर के तू ही भी नहीं बचा तू थी सब आई। तो ये आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। आज हमारे बीच मेरे बड़े भाई आप प्रदीप धीमान जी हैं, और आपके बिल्कुल यहाँ से लोकल हैं। हम कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट, हम यही कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट जो झाड़ू है, ठीक है, झाड़ू को मोर लगानी है, बताने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या जरूरत थी, 1,50,000 रुपया सैलरी छोड़ करके आए, एज ए DSO बहुत बड़ी पोस्ट होती है जिसमें मुंह नहीं पेट भर जाता शब्द बोलते बोलते, मतलब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर बोलते बोलते ना, मतलब मुंह की बात नहीं है, जवान की बात नहीं, पेट भी भर जाता है बंदों का, और पुस्तें चली जाती है, पर ये पोस्ट नहीं मिलती है। क्या जरूरत थी, ठाट वाट सारे मस्त तरीके से आप देखते रहते थे, मगर आज इनके मन में भी विचार आया कि क्यों नहीं हम लोग आगे बढ़े। इन लोगों ने हमें देखा, इन्होंने केजरीवाल साहब को देखा कि जिन्होंने मतलब IRS की जॉब छोड़ी है, कमिश्नर वाइफ ने भी छोड़ दी है, पैसों की कहाँ से कमी थी उनके पास। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा, और हमारे बड़े भाई आए अंदर आपके साथ बैठे हैं, तो चाहूँगा कि अपनी इंट्रोडक्शन भी दें अपने तरीके से, और वार्तालाप करें, और हम लोगों को मिल करके, और इनकी तरफ से सभी की तरफ से मैं एक बात बोलूँगा कि इनका एक्चुअल में 25 तारीख को एक जिसको बोलते हैं शक्ति प्रदर्शन, तो उसके बीच आपने बिल्कुल सहायता सहयोग करना है। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर आना है, अगर पसंद नहीं होगी तो ज़रूर आप बोल देना आपने कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है एक्चुअल में। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारा परिवार का व्यक्ति हमारे साथ रहेगा ना, सेंटर छोटे पंपले तो आप लोग इसका एक बहुत बड़ा बड़े छोटे पंपले एक घर परिवार की भी देखिए सारा परिवार यहाँ बैठा हुआ। तो मैं इन शब्दों के साथ धन्यवाद करूँगा, अपने शब्दों को विराम दूंगा, मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ क्योंकि बोलने के लिए तो शब्द ही बहुत बड़े हैं ना। तो मैं एक नारा बुलवाना चाहता हूँ आपसे, प्लीज़ आप सभी लोगों ने एक काम करना, जब मैं नारा बोलूँगा ना तो अपने हाथ ऐसे करके करना ऊपर को बाजू करके ना, बाजू से, पर मैं किसी पड़ोसी का हाथ मतलब पकड़ लेना ना, अपने हाथ से करना ना, ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। प्रणाम, धन्यवाद। तो इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदीप धीमान जी अपने विचार रखें, और परिवार के साथ इनका धन्यवाद है जिन लोगों ने हमारे समय से हमारा इंतजार कर रहे हैं। व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष गतिपुरी जी, हमारे बीच हमारे संगठन मंत्री मेरे प्रिय भाई रवि रोहत जी नालना से हैं, पंचायत पंचायत के शुभकरण जी, शहीद विवेक चंद के पिता श्री रमेश चंद जी और इनकी माता जी, श्री पुरुषोत्तम राम जी प्रमुख आशापुरी पंचायत, साथ में जितने भी यहाँ महानुभाव आए हैं, मैं उन सभी का यहाँ पधारने पर
और मेरे विचार सुनने के लिए आए माताओं बहनों भाइयों का यहाँ बताने बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि पूरी जी ने बताया कि आपको पता है मैं यहाँ बहुत समय रहा हूँ, बहुत बार आया हूँ, ये मेरा अपना ही घर है। मैं ठीक नौकरी करता था, आपको मालूम है, सबको यहाँ पता है, परंतु मैं जब नौकरी करते करते मेरे मन में एक विचार आया कि मैं अपने बच्चों को तो बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मुझे इतनी तनख्वाह मिलती है, मैं उनको अभी भी चंडीगढ़ पढ़ते पढ़ा सकता हूँ, परंतु क्या मैं ऐसा काम करूँ जिसके साथ साथ मेरे बच्चे तो पढ़े पढ़े पर और लोगों के बच्चे पढ़ के वहीं पहुँचे जहाँ मैं अपने को जाना चाहता हूँ। यही मेरे दिमाग में बात आई, मैंने केजरीवाल जी की नीतियों को पढ़ा, उनके बारे में समझा और सोचा कि अगर ये इतने लोग अपना सब कुछ छोड़कर इस देश इस प्रदेश की जनता को ऊपर उठाने में लगे हैं, एक बार मैं भी इसी काम में अपना सहयोग दूंगा। तो इतने साल नौकरी की, पैसा कमाया, वो तो बचा नहीं, बाकी का समय जो बचा जिंदगी में उसको उस नेक कार्य में लगाने की मैंने सोचा और मैंने अपनी नौकरी छोड़ के आ गई। आज मैं इतने लोगों के बीच में बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि कोई भी देश, कोई भी गांव, कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। आप कुछ कर लो, करोड़ों रुपए ले जाओ, जब क्वालिटी की बात आई तो आपको पूछेंगे कि आपका बच्चा कितना पढ़ा है। अगर शक है तो आप किसी अपने बच्चे का रिश्ता करने जाएंगे, आपके पास करोड़ों रुपए है, कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, यही पूछते हैं कि बच्चा कितना पढ़ा और क्या करता है। मेरा बोलने का अभिप्राय है कि जब हमारे स्कूलों में मास्टर नहीं है, हमारे यहाँ शिक्षा का इतना बुरा हाल है कि हमारे बच्चे आप लोग देख रहे कि नहीं पढ़ पा रहे। जो प्राइवेट स्कूल है उसमें एक एक स्कूल में एक एक बच्चे की फीस 3-4 हज़ार है कि नहीं। अगर हमने ये बोला, हमने जब इसमें आए, क्यों ना हम मिलकर एक ऐसा काम करें, पहली बार तो सरकारी स्कूलों को सुधारें और जितने प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस उतनी हो जितनी सरकारी स्कूल में, ताकि कम से कम आप लोगों के हजारों रुपए जो गलत तरीके से लोग कमाई करके ले जा रहे हैं वो बचे। कोई सबसे बड़ा आपका है, बच्चे को पढ़ाने में सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं, मेरे ख्याल जिनके बच्चे पढ़े मेरी बात से सहमत है कि नहीं, सबसे ज्यादा पैसे यही लगेंगे। हमने ये बोला कि स्तर को उठा के प्लस टू तक बच्चे की फ्री शिक्षा होगी, लड़का हो चाहे लड़की हो, लाखों रुपये बचेंगे, नहीं बचेंगे, आप सहमत है मेरी बात। तो सबसे मेन काम है कि पढ़ना ही जरूरी है। आज तक आप बताओ टीवी में इतने डिबेट आते हैं, क्या बीजेपी कांग्रेस कभी बोले कि स्कूल अच्छे होने चाहिए, बोला सुना आपने कभी? वो कभी ये बात नहीं करेंगे, या तो बोलेंगे राम मंदिर बनना चाहिए, या बोलना चाहिए हमने ये कर देना वो कर देना, तो सबसे जो मेन काम है उसको भूल जाते हैं। जितने भी देश जिन्होंने तरक्की की है, आप चाइना में जाओ, अमेरिका में जाओ, आपका जो हमारा सबसे नज़दीकी देश है, जहाँ भी आप जाएंगे सबसे पहले दो चीज़ें हम देशों ने की है जो तरक्की की है, एक तो आदमी की शिक्षा फ्री की है और दूसरा स्वास्थ्य फ्री की है। होता क्या है, हम बच्चों को पढ़ाने के बाद जब लास्ट में बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे पास पैसे तो बचते नहीं, बच्चे अपने अपने चले जाते हैं, उस वक्त जो बंदा बीमार होता है तो उसके लिए ना डॉक्टर है ना कोई सुविधा है, क्योंकि आपने देखा भी होगा यहाँ। तो हमने जब इस पार्टी मैनेजमेंट जो मीटिंग उसमें हमने अपना यही एजेंडा रखा कि कम से कम कोई भी आदमी कितना भी बीमार हो उसका इलाज राष्ट्र मरते दम तक फ्री होना चाहिए। मैंने नौकरी इसलिए नहीं छोड़ी कि मुझे कोई शौक था या मुझे पैसे बुरे लग रहे, मैंने इसलिए भी छोड़ी जो मैं आपको दिल की बात बताई कि हम सब अगर मिलके इकट्ठे चलेंगे तभी ये समाज सुधरेगा। मैं तो जैसे थे 75 सालों से हम इस इलाका वैसे है और अगले वाले 75 सालों में वैसा रहेगा। आज तक 75 सालों में पंचरुखी से लेकर अलवर के बीच में कोई भी आदमी ने हिम्मत नहीं की कि मैं खड़ा हो जाऊं और मैं इलेक्शन लड़ूं। है भी आप तो मेरे से बड़े बुजुर्ग हैं, पिता समान है, बताओ है ऐसा कोई? कोई लोग हिम्मत नहीं करते। और जो हमारे जो लोग हैं जो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो ऐसी सलाह देते नहीं हम लोगों की, वो लोगों को वोट तो दिला देंगे, पंचरुखी में दिला देंगे, अलवर दिला देंगे, पर अपने बंदे को नहीं बोलेंगे तुम खड़े जाओ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। मैंने बहुत सोच के समझ के एक कोशिश की है कि मैं भी इस पार्टी से जुड़ूं, मैं भी इस पार्टी का एक कैंडिडेट बनूं। अगर आप लोगों का सहयोग हो, आप लोग सभी चाहेंगे, अगर मुझे उस समय मौका मिलता है कि मेरे को यहाँ से टिकट मिलती है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो हमारा चंगर इलाका है ये जो स्वर्ग में बदलेगा, इसके लिए मैं आया हूँ। अगर पार्टी टिकट नहीं भी देती है, मेरे किसी और भाई को देती है
तो भी उसको हम जरूर बोलेंगे, जरूर समझाएंगे कि सबसे पहले जो निगाहें हमारे इन हॉस्पिटलों पे, इन स्कूलों पे और हमारे जो बीच का इलाका है इस पे हो, ताकि इलाके आने वाले समय में जैसे हम आज बैठे हैं, अच्छी दोबारा मुझे अगर मैं बनता हूँ तो मुझे दोबारा वोट मांगने की आवश्यकता ना पड़े। मैं क्यों आऊँ वोट मांगने, मैं काम ऐसा करके जाऊँ। हमारी पार्टी अगर केजरीवाल जी ने जो नीतियाँ चलाई हैं अगर हम सबको इम्प्लीमेंट करते हैं तो किसी आदमी को दोबारा वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है। अब बताओ मेरे को, महिलाएं बुजुर्ग हैं उनको 1,000 रुपया इसलिए नहीं दे रहे कि उनको पैसे ही नहीं है। क्या होता है कि जो जिनके पास हैं उनको तो 1,000 रुपये की कीमत पता नहीं है, परंतु जिनके पास नहीं है तो वो दुकान में जाएं, आपके साथ आपका नाना कोई बच्चा छोटा चला हो, नानी के साथ कोई चला होता है जो जोतरी बोलते ना वो चला हो तो जो भी चला वो बोले जी मेरे चौक लेना, अगर नानी के पास पैसे नहीं उनको बुरा लगेगा। वो पैसे इसलिए हैं कि आप लोगों को सरकार की तरफ से इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप उन बच्चों को अपनी सुविधा अनुसार कोई दिल चीज करें वो खा सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आदमी पैसा किसी को कोई मशीन लगा के नहीं देगा। जितने भी पैसे सरकार देती है ये हमारा और आपका टैक्स से इकट्ठा हुआ पैसा ही देते हैं। होता क्या है, आप देखो हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नेता है तो वो केजरीवाल है। तो आईएएस अफसर पास है, बाकी आपने नोट करना हमारी विधानसभा में कहीं लिखना, जो प्रधान बनते हैं प्रधान से इलेक्शन जीत के एमएलए बन जाते हैं उनको खुद भी नहीं पता होता कि बहुत से ऐसे एमएलए होंगे उनको 4 लाइनें अंग्रेजी की समझ नहीं आती होंगी। आपने पंचायतों में देखा है जब प्रधान कोई बनता है तो जो सेक्रेटरी बोल देता है वही वो समझता है, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता। इसलिए पढ़े लिखे इंसान की जरूरत होती है हर काम में। तो मैं ज़्यादा समय लेता हूँ, मैं एक बार फिर कहूँगा कि 25 तारीख को हमने जालक में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है आप सभी के लिए,